लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आप बहुत दुखी लग रही हैं, चोट वोट तो नहीं आई? नहीं नहीं, मैं दुखी हूँ ना, चोट आई है। शुक्र है। दरअसल रोज रोज तो ऐसा होता नहीं, ज्यादातर तो मैं आती हूँ, गाना गाती हूँ और चली जाती हूँ। That was good. वैसे मेरे साथ भी रोज रोज ऐसा नहीं होता कि कोई आसमान से गिरे और खजूर में अटक जाए। ये स्कूटर तो हम दोनों को नहीं उठा के ले जा सकते, अब हमें ही इसे ढकेल के ले जाना पड़ेगा। राइट। कहाँ तक? मेरे घर तक। राइट। दूर है? काफी। बैठिए आप, मैं ढकेलता हूँ। ओके। आपका वजन कितना है? आपको तो मालूम होना चाहिए। आप ज्यादा नाराज तो नहीं है? इसमें नाराज होने की क्या बात है, बस मेरे स्कूटर की ऐसी तैसी हो गई है, मेरे कपड़े जहाँ तहाँ फट गए हैं, खराब हो गए हैं, मेरे घुटने छिल गए हैं और मेरा एक जूता तो क्या बताऊँ, टूट ही गया है। I'm sorry. और पता नहीं कौन अजनबी मुझे और मेरे स्कूटर को पंजिम की सुनसान गली में ढकेलता जा रहा है। मेरा नाम कपिल है, इंस्पेक्टर कपिल, CID, क्राइम ब्रांच बॉम्बे पुलिस। मुझे जो जो कहते जी मालूम है। कैसे? एल ने बताया था। एल? अल्बर्ट पिंटो, शायद आपको याद हो, कुछ दिनों पहले एक शानदार सा नौजवान अक्सर क्लब में आपका गाना सुनने आया करता था। क्लब में? शॉर्ट चैप विद हेयर ऑलवेज, सांवला सा जो हमेशा सूट पहने रहता है। Right. जिसके बाल माथे पर आगे बच्चों की तरह हमेशा गिरते रहते हैं। वही। वो आपका दोस्त है? था। था? मर गया, उसे मार दिया गया। उसकी कब्र के फूल भी अभी तक सूखे नहीं होंगे। Oh, I'm sorry. You should be. He was in love with you. Oh. He really cared for you. तुम्हारा नाम लेते ही उसकी आवाज मुलायम हो जाती थी, उसकी आंखें पिघलने लगती थीं, जैसे चांद फेनी के ग्लास में उतर आया हो। Oh, I'm sorry. मुझे कभी अंदाजा भी नहीं हुआ कि उसके दिल में मेरे लिए। खैर, कोई बात नहीं। ग्लास के टूट जाने से चांद को अफसोस थोड़ी होता है। I'm sorry, मैं शायद ज्यादा कड़वा बोल रहा हूँ। Here we are. ये लीजिए। तो मिस्टर कपिल जी, इंस्पेक्टर क्राइम ब्रांच बॉम्बे पुलिस, मुझे और मेरे स्कूटर को मेरे घर तक लाने का बहुत बहुत शुक्रिया। You're welcome. अब जब आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो घर के अंदर भी तशरीफ रखिए। डैडी क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों हैं? अभी सिस्टर जैसिका का फोन आया था। क्या कहा सिस्टर ने? सरेज फिर क्लिनिक छोड़कर भाग गया। क्या? समझ में नहीं आता क्या करूं, क्या करूं कि उसे इस बीमारी से छुटकारा मिल सके। इतनी छोटी सी उम्र में उसे इतनी बुरी लत, ये जहरीली गर्द की आदत उसे कहां से पड़ गई? इतनी छोटी उम्र में अपने आप को अंदर ही अंदर जला रहा है और साथ में हम लोगों को। धीरे बोलिए, बाहर कोई है? फोन दो। अब किस किस से छुपाना, अब ये कोई ढकी छुपी बात तो है नहीं कि तुम्हारा भाई ये जहर भरी सिगरेट पीता, सारी दुनिया तो जान गई है। आप कौन है साहब? कौन है आप? डैडी ये सब इंस्पेक्टर कपिल। इंस्पेक्टर कपिल, क्राइम ब्रांच बॉम्बे पुलिस। हाँ हाँ, तब तो तुम हमारी मदद कर सकते हो। जी देखिए, मेरा बेटा सुरेश। डैडी तुम नहीं जानती, ये पुलिस वाले सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये क्यों करेंगे? सब कुछ इन्हीं के साये में तो होता है, गली गली में, स्कूलों के पास, हर जगह इन्हीं की मदद से तो वो जहर बिकता है। अरे कोई इन पुलिस वालों को ला के ये घर दिखावे जो इस जहर की वजह से बर्बाद होके रह गया। डैडी ¶¶
मैं दिन रात मेहनत करके नाइट क्लब में गाना गाकर नाच कर लोगों की गंदी निगाहें और भद्दा मजाक बर्दाश्त करके इस घर में चार पैसे लाती हूँ कि ये घर चल सके, तुम लिख पढ़ सको। और तुम्हें सबके बदले में मुझे ये दे रहे हो? मैंने तुम्हारे इलाज के लिए क्या क्या नहीं किया है, अपनी सारी कमाई लुटाई है तुम्हारे लिए मैंने, और तुम हो कि फिर भाग गए वो शहर लेने के लिए। भाई बहन का सहारा होता है, उसकी ताकत होती है। And you, you ungrateful wretch. क्या मुंह लेकर वापस आए हो तुम यहाँ पर? और ये हाथ में क्या है तुम्हारे पीछे, क्या छुपा रखा है तुमने? ये क्या है तुम्हारे हाथ में, क्या है बताओ? वही जहर। मापसा मार्केट चला गया था दीदी, तुम्हें याद नहीं आज राखी है। दीदी कैसी है? अच्छी है। ये भेजा है तुम्हारे लिए। थैंक यू सर। और तुम कैसे हो? ठीक हूँ सर। गुड। मुझे यहाँ कब तक रहना पड़ेगा सर? कुछ दिन और। जब तुम ठीक हो जाओगे तो मैं तुमको घर ले जाऊंगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। ओके। अब हम दोस्त हैं ना? हाँ सर। तो तुम मुझे एक बात बताओ, तुमको ये ब्राउन शुगर कहां से मिलता था? डरो नहीं। उसको नहीं बताना सर कि मैंने बताया। किसको? पाउडर बाबा। स्कूल के बाहर एक बड़ा खंबा है, वहां वो ब्राउन शुगर बेचता है। Hi. Hi, man.
Want something? ये खंबा बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्या है? खंबा इंटरेस्टिंग। वैसे पाउडर बाबा सुना यहीं मिलते हैं रोज इस वक्त। कौन? ओ कहीं आप तो नहीं है पाउडर बाबा? Who are you, man? ये क्या लिखा हुआ है आपके बनियान पे? पढ़ूं जरा? आप खड़े होंगे थोड़ी देर? माल कहाँ से लाते हो पाउडर बाबा? कैसा माल? कैसा माल? कैसा माल? ये माल कहाँ से लाते हो बताओ? कहाँ से लाते हो बताओ? बताओगे आपने दूसरे हाथ का इस्तेमाल करो? बताओगे या तुम्हारी मुंडी की टमाटर की तरह पिछाना पड़ेगा? साले बताओ कहाँ से माल लाते हो? कहाँ से माल लाते हो? वो लोग मुझे मारा लेंगे, वो मुझे मारा लेंगे। वैसे तुम्हारे सिर पे प्यार से हाथ फेरने का इरादा मेरा भी नहीं है यू बास्टर्ड। मूर्ति मैं सुन रहा हूँ। मालिश वाला कहाँ मिलेगा? कलंगुट बीच। हाँ थैंक यू। और अगर दोबारा इस स्कूल के आसपास दिखाई दिए तो इसी खंबे के नीचे दफन कर दूंगा। ओके क्या बॉडी सर, पत्थर का माफिक। आप बॉडी बिल्डर बॉक्सर सर? ये आजकल का डिस्को चल रहा है सर, या कमरे लगे क्या बॉडी बनते सर? आप बोलना सर, कैसा हाथ लगाना? कड़क, एकदम कड़क। लो जी जापानी के माफिक अपना भी मालिश का नंबर 120 220 440 620। आपको भी कड़क, एकदम कड़क के साथ कड़क कर डालेंगे साहब। अपना क्या मालूम है साहब, सीजन में इधर आने का, बिजनेस करने का और रिटर्न मुड़ जाने का। अच्छा, बिजनेस कैसा चल रहा है आजकल? एकदम सर, फर्स्ट क्लास पब्लिक सर्विस सर। और क्या करते हो तुम? बस यही सर, पाप हमारा मरते मरते यही मालिश लगाया गया सर। भगवान उसकी आत्मा की मालिश करे सर। और कुछ भी नहीं करते? और क्या सर, कुछ नहीं सर। ब्राउन शुगर? ब्राउन शुगर क्या सर, क्या ब्राउन शुगर? देखो मैं पुलिस का आदमी हूँ। अब पुलिस का आदमी सर, फिर क्या डरना सर, मैं सोचा कोई दूसरा आदमी सर। आपका आदमी आके हफ्ता लेके गए सर, फिर क्या प्रॉब्लम करते? नहीं मैं कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ तुम्हारा जो ये हाथ हम मोड़ के पीछे कर दूंगा तो किसी को समझ में नहीं आएगा कि तुम आ रहे हो कि जा रहे हो। समझ में आया? अंग्रेजी में समझाऊं? समझ गया सर, हिंदी में समझता। अयो अच्छा कड़वा ले, ये कहीं लग मुड़ जाने पाएंगे या? बताओ बताओ। सर कोई पहचानेंगे नहीं सर आप पुलिस वाला करके, लेकिन वो श्री बेबी का नजर वेरी क्लेवर, अगर बाय चांस कभी मालूम पड़ गया तो। चलो चलो चलो। सर सर वो माउंट जोशी का घर, वो जितना मंगता उतना ब्राउन शुगर। अच्छा चलो। नहीं, 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 अगर मैं उसका घर गया समझो मर गया। अच्छा ठीक है, तुम यही डरो। नहीं, नहीं, नहीं। अयो इधर आओ, इधर आओ। सर आप दो दो दिक्कत सर, या डबल डबल वाल सर, या 3D पिक्चर है, 3D बीड़ी। सर मेरा हाथ बांध दिया सर, मैं क्या जुल्म किया सर, ए गॉड। तुम इधर ही रुको। ओके ओके सर, ओके सर।